एक शहर में करण अपनी पत्नी प्रीता और बेटी माहिरा के साथ रहता था, जो कि बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है और उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री भी होती है। तब करण अपनी पत्नी और बेटी को खुश करने के लिए हर एक कोशिश करता था। इसके लिए वो उनकी हर एक बात भी मानता था। ऐसे ही समय बीतता है, तब एक दिन माहिरा अपने पापा करण से कहती है, पापा कितने दिन हो गए हैं हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए हैं। जिसे सुनकर करण अपनी पत्नी और बेटी माहिरा को बाहर घुमाने के लिए गोवा ले जाता है, जहां जाकर सभी बहुत खुश होते हैं और बहुत मौज मस्ती भी करते हैं। हर एक नई जगह घूमते फिरते हैं और कुछ दिन वहां रुकने के बाद वे अपने घर वापस आ जाते हैं। तब करण को पता चलता है कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसमें उसका बहुत सारा नुकसान हो गया। जिसे सुनकर करण बहुत दुखी होता है और उसकी ऐसी हालत को देखकर प्रीता और माहिरा भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद एक दिन करण का दोस्त पृथ्वी उसके घर उससे मिलने के लिए आता है और करण से कहता है, भाई एक काम कर, तू कुछ दिनों के लिए मेरे साथ मेरे घर चल, जिससे तेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा और तू कुछ दिन बाहर रहेगा तो तुझे बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं होगी, जिससे भाभी और माहिरा को भी बहुत अच्छा लगेगा। जिसे सुनकर प्रीता करण से कहती है, करण क्यों ना हम पृथ्वी की बात मानकर उसके घर चले। जिसके बाद करण अपनी पत्नी प्रीता और बेटी माहिरा को लेकर अपने दोस्त पृथ्वी के घर जाता है। जिसके बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन पृथ्वी की पत्नी सृष्टि माहिरा और प्रीता को बहुत परेशान करने लगती है। वो उनसे घर का सारा काम करवाने लगती है, जिसे देखकर करण को बहुत बुरा लगता है। तभी एक दिन करण अपने दोस्त पृथ्वी से कहता है, यार तू अपनी पत्नी को थोड़ा समझाना कि वो मेरी बेटी और पत्नी से ज्यादा काम ना करवाए। जिसे सुन सृष्टि को बहुत गुस्सा आता है और प्रीता को बहुत बुरा कहने लगती है। तब पृथ्वी उसे बहुत समझाता है, लेकिन सृष्टि पृथ्वी की एक भी बात नहीं मानती है और अपने गुस्से से एक चाकू लेकर प्रीता को मारने लगती है। तब करण प्रीता को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और वो चाकू उसे लग जाता है, जिसके बाद वो मर जाता है। जिसके बाद पृथ्वी सृष्टि को घर से बाहर निकाल देता है और कुछ दिनों बाद प्रीता अपनी बेटी माहिरा को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।